की बात है जब नैना सोचा करती थी और समीर पलक झपकते उसके पास आ जाया करता था। अब ऐसी दुनिया तो उन दिनों में ही हो सकती है, क्योंकि ये तो ख्वाबों ख्यालों वाली नहीं बल्कि असली वाली दुनिया है, जहाँ पर नैना की बहन का रोका हो रहा है। अब अपनी बहन के रोके को देखकर नैना भी गुम हो गई समीर के ख्यालों में। वो सोच रही है कि काश उसका भी रोका होता समीर के साथ। अब भाई नैना की दुनिया तो ख्वाबों ख्यालों में ही होती है, क्योंकि असल में तो सिर्फ समीर ही है जो हर पल नैना से इजहार करते रहता है अपने प्यार का। बीच बीच में नैना अपनी बहन को और जीजू को देख के थोड़ी सी खो जाती हूँ। मैं तो सपनों में वैसे भी जीती हूँ, तो मैं बस उन्हें भी देख के ऐसा सोच रही हूँ कि काश ये मैं और समीर होते या हूँ तो वो सब। नैना के घर में रोके का फंक्शन एकदम सादगी के साथ हो रहा है, जैसा अक्सर परिवारों में होता है, पूरे रीति रिवाज के साथ। अब बहना का रोका हो रहा है तो उसकी खुशी भी आप देख लीजिए, होने वाले जीजा भी कम खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, आज मेरी बहन का रोका है तो हम लोग सब बहुत खुश हैं। घर में गाना बजाना सब चल रहा है, घर में तैयारियां चल रही हैं, डेकोरेशंस और लड़के वालों की क्या बोलते हैं स्वागत की तैयारियां, फल मिठाइयां, इस घर में सब कुछ आया हुआ है, पूरा शादी का माहौल है। अब नैना ने अपनी बहन के रोके में समीर को तो इनवाइट किया नहीं था, लेकिन हाँ शादी में वो जरूर समीर को बुलाएगी और फिर शायद यहीं पर घर वालों के सामने ये बात खुल जाएगी कि समीर और नैना के बीच कुछ कुछ चल रहा है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।